उर्दू रिकॉर्ड्स के मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पबजी गेम पर पाबंदी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो दोस्तों आज की इस दुनिया में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने वीडियो गेम को सस्ता और आसान बना दिया है। दोस्तों पबजी गेम से आप जरूर वाकिफ होंगे। इस गेम को ज्यादातर बच्चे और नौजवान खेलते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में इसके बाकायदा टूर्नामेंट्स भी होते हैं। इस गेम को 2017 में कोरियन कंपनी ब्लू होल ने बनाया था। दोस्तों इस गेम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन सब के साथ वही सामान होता है जिस तरह का सामान हकीकी जंग में किसी मुल्क की फौज के साथ होता है। जब कोई शख्स इस गेम को जीत जाता है तो उसे एक फर्जी चिकन डिनर मिलता है। मगर दोस्तों जितना इस गेम को खेलने में मजा है वहीं इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। इस डिजिटल गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस गेम को खेलने वाले समाज और समाजी मामलात रफ्ता रफ्ता कनारा कश हो जाते हैं और अकेला रहने को तरजीह देते हैं। नाजरीन अगर आपके दोस्त बहन भाई या बच्चे इस गेम को खेलते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि इससे उनकी सेहत पर क्या असरात वाजिया होंगे। वक्ती तौर पर कोई शख्स इस गेम को खेलता है तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन इस गेम की वजह से मोबाइल फोन से जो शुआएं निकलती हैं वो इंसानी दिमाग और आंखों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक ही जगह पर ज्यादा देर बैठे रहने से हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को कम तादाद में गर्म कर देता है और हमारे जिस्म में मौजूद खून सुस्त रफ्तार में बहता है। ये अमल हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को दिल की रफ्तार कम करने या फिर रोकने में मदद दे सकता है, जो हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों कई लोग पबजी की वजह से अपनी जान तक से हाथ धो बैठे। ऐसा ही एक वाकया इंडिया के एक गांव में पेश आया जब एक बाप ने अपने बेटे को पबजी गेम खेलने से मना किया, लेकिन बेटा गेम खेलने का आदि हो चुका था। उसने अपने बाप की एक न सुनी और अपने बाप को कत्ल कर डाला। इस डिजिटल गेम की वजह से कई नौजवान नफ्सियाती मरीज बनकर रह जाते हैं। उनके जहन में हमेशा लड़ाई मारपीट और तशद्दुद के बारे में ख्यालात आते रहते हैं। आम जिंदगी में भी यही ख्यालात उनके जहन में गर्दिश करते रहते हैं। कई नौजवान इसके बायस मनशियात का शिकार भी हो जाते हैं। गेम खेलने के दौरान गालिम गलोच का माहौल होता है। अक्सर माहिरीन का कहना है कि पबजी गेम नौजवानों में जुराइम और तशद्दुद का खदशा परवान चढ़ा रही है। जिनके घर में बच्चे ये गेम खेलते हैं या जिनके दोस्त ये गेम खेलते हैं उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि ये गेम खेलने वाला शख्स अपने माहौल से कितना बेगाना है, वो अपनी फैमिली और दोस्तों से कितना दूर है। तो दोस्तों ये थी वजह पाकिस्तान में पबजी को बैन करने की। तो दोस्तों आपने अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है कि आप क्या चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में पबजी को बैन होना चाहिए या फिर नहीं। तो आपने कमेंट में ये लाजमी लिखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।